हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रश्मि देसाई का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले। कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज सॉफ्ट मॉइस्चराइजर की हेल्प से। और जैसा कि विंटर्स है और वैसे भी हमें हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए ताकि हमारी फेस पर कभी भी रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब लैक्मे सीसी क्रीम। और आज की मेकअप लुक मैंने इसी क्रीम की हेल्प से की है। मैं कोई फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी इस मेकअप लुक के लिए। और ये है हुडा ब्यूटी का ऑल ब्रश है, तो मैं इसकी हेल्प से अपनी लैक्मे सीसी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा ब्रश है। तो ये देखिए कितना ईजिली इसने मेरी क्रीम को ब्लेंड कर दिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसका रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी, और कैसे आप इस ब्रश की हेल्प से और भी अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, मैंने अपनी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, यहाँ पर मैं मैक का कंसीलर लगा रही हूँ। जो भी मेरी आईज़ पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर थोड़े से डार्क सर्कल आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो इसे हाइड करने के लिए कंसीलर बहुत ही अच्छा काम करता है। और कंसीलर गाइस ज़रूर लगाना चाहिए हमें, तो इससे हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह सभी हाइड हो जाते हैं अच्छे से। तो ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है। ये देखिए, मैंने अपने कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं अपने कंसीलर को और लैक्मे सीसी क्रीम को लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरी क्रीम में और कंसीलर में कोई भी क्रीज लाइन ना बने। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हिलेरी रहूडा का आई शेडो पैलेट, और इस पैलेट से मैं ये ट्रांजिशन कलर लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पर इस तरीके से प्लेस करते हुए ब्लेंड कर लूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी के इस आई शेडो पैलेट से इसे डार्क बरगंडी कलर का शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी पूरी आई लिड पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस मेकअप लुक को आप किसी भी इंडियन फेस्टिवल या फिर वेडिंग फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है इस लुक को करना। अब मैं एमआरएस आई शेडो पैलेट से शिमर शेड लूँगी, ये सिल्वर शेड है, और इसे मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से सेंटर आई लिड पर लगा लूँगी कुछ इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और आप देख सकते हैं गाइस, रश्मि ने इस लुक में कोई भी काजल वगैरह नहीं लगाया हुआ है, और ना ही उन्होंने नीचे की तरफ आई शेडो लगाया है। तो इस तरीके से मैंने अपने आई शेडो को थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर, और ये ब्लैक कलर का आईलाइनर है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो फॉल्सिस भी लगा सकते हैं, फॉल्स लैशेज भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉल्स लैशेज नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मस्कारा ही लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा, और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छी लेंथ देता है आपके लैशेस को, तो इससे आपको फॉल्सिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेरा काफ़ी फेवरेट मस्कारा है ये। और अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। मैं आज सबसे लास्ट में अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, ये ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल है, इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ के गैप्स को फिल कर लूँगी। और अब मैं जैकलिन हिल पैलेट से ये डार्क ब्राउन कलर का शेड लूँगी, और अपने फेस को कंटोर कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और मैं पाउडर कंटोरिंग कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से ये डार्क पिंक कलर का शेड लूँगी और ब्लश लगा लूँगी। अब मैं इसी स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से हाइलाइटर भी लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लिप लाइनर, ये मैक की लिप लाइनर पेंसिल है। अब मैं लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, ये लाइट पिंक कलर का शेड है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सिंदूर, जैसा कि आप देख सकते हैं रश्मि ने इसमें थोड़ा बड़ा सा सिंदूर लगाया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने सिंदूर लगा लिया है, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे, ताकि मेरा मेकअप जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। और गाइज़, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेस पैक, प्रोडक्ट्स रिव्यू शेयर किए हुए हैं, और हेल्दी टिप्स भी शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।